नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्रा बांध में पंचम नदी महोत्सव का शुभारंभ किया। गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि जब तक हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक देश में जल की समस्या समाप्त नहीं होगी। हमें जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए काम करना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर करीब एक महीने से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया है। आंदोलन की तारीखों को 5 बार बदला गया। जिला और ब्लॉक कमेटियों को बार बार परिवर्तित तारीखों की सूचना भी दी गयी। कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने विधानसभा में सवाल पूछा था कि प्रदेश के पुरुषों में शुक्राणु की संख्या में कमी और बढ़ रही नपुंसकता में सुधार के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तिवारी के सवाल पर उत्तम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिर्फ महिलाएं बता सकती हैं कि उसका पति नपुंसक है या नहीं, सरकार इसकी जानकारी नहीं दे सकती। शहर में बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। शुक्रवार को इसके आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रमुख अभियंता प्रभाकांत कटारे ने जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने IFS अवार्ड के लिए राज्य वन सेवा के 21 अफसरों की पैनल तैयार कर लिए। ये प्रस्ताव केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया है। 21 मार्च को दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने की संभावना है, जिसमें 7 अफसरों को पदोन्नति दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में तैयार बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। जैनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जैनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।